हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नहीं वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने लो किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जैसे कि आपके पास ओप्पो का फ़ोन है, वीवो का फ़ोन है, उसमें इजीली आप इसको डिलीट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक को। तो गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटे का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको डिलीट करना है फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, जो भी। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक पे क्लिक करना होगा। और फ्रेंड्स, साइड में डॉगी का जो आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है वह आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है या फिर डायल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप अब इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। अगर लगाना चाहते हैं वापस से तो भी मैं आपको बता देता हूँ वापस से कैसे लगेगा। तो इसके लिए आपको वापस से आपको सेटिंग में जाना होगा। तो जैसे ही सेटिंग में जाएंगे तो आपको वापस से यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना होगा, बायोमेट्रिक पे, सॉरी। उसके बाद सेट स्क्रीन लॉक पे क्लिक करके स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। ऐड फिंगरप्रिंट पे लॉक पे जा करके आपको पासवर्ड लगाना होगा। अगर लगा नहीं होगा तो उसके बाद आप अपना इस तरीके से अपना फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं। साइड में होगा तो साइड में, बैक साइड में होगा तो बैक साइड में, अगर फ्रंट में होगा तो फ्रंट पे। ठीक है, इस तरीके से आप लगाते ही इस तरीके से टच करेंगे और आपका बस फिंगरप्रिंट लग के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।